डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स का नेक्स्ट पार्ट आज हम पढ़ेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। तो परमुटेशन क्रमचय क्या होता है? दी गई वस्तुओं अथवा संकेताक्षरों में से किसी या कुछ को एक साथ लेकर क्रम को ध्यान में रखते हुए, इसमें ऑर्डर को ध्यान में रखा जाता है, जितने भी अलग अलग विन्यास बनाए जा सके, ग्रुप बनाए जा सके, उसे हम कहेंगे परमुटेशन क्रमचय। एन असमान वस्तुओं में से आर वस्तुएं लेने पर क्रमचय क्या होगा? यदि R का R इज इक्वल टू एन है या R इज इक्वल टू R इज लेस देन एन है, देन इसे हम शो करेंगे एन पी आर से, पी फॉर परमुटेशन। एन टोटल वस्तुएं हैं, R उनमें से कुछ जो वस्तुएं ली वो है, तो उसका फॉर्मूला होगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहां पे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए n की वैल्यू यहाँ पे 7 है, r की वैल्यू 3 है, तो इसे हम लिखेंगे 7p3 इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 7 माइनस 3 क्या होगा? 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब यहाँ होता है जैसे 7 फैक्टोरियल है, तो हम क्या करेंगे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 जब तक 1 आ जाए, 4 फैक्टोरियल, ऐसे ही 4 फैक्टोरियल निकालेंगे अपन। तो इसका जो आंसर है हमारे पास है 210। नेक्स्ट है, यदि r की वैल्यू n है तो क्या होगा? r इज इक्वल टू n है तो हम लिख सकते हैं npr इज इक्वल टू npn। यहां पे क्या होगा? n फैक्टोरियल, इसे इस साइन से भी लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n, तो 1 n माइनस n क्या हो जाएगा? 0। तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है हमारे पास 1, तो यहां पे आ जाएगा एन पी एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 8p8, इसका होगा आपका फैक्टोरियल 8, और फैक्टोरियल 8 की वैल्यू ऐसे निकालेंगे अपन। नेक्स्ट है आपका, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट है 12pr की वैल्यू है हमारे पास इतनी, तो r की वैल्यू चाहिए, तो हम इसे कैसे निकालेंगे? 12pr को क्या लिखेंगे अपन? एन फैक्टोरियल मीन्स 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस आर फैक्टोरियल, तो 12 माइनस आर फैक्टोरियल इस फॉर्मूले से, यहां पे दिस एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहां पे जो वैल्यू आई 12 × 11 × 10 × 9, इसको गुणा करते हैं तो ये वैल्यू आती है, मींस हमारे पास r की वैल्यू कितनी आई? 4, तो r की वैल्यू 4 आई, तो 12 माइनस 4 कितना हुआ? 8, तो यहां पे क्या आ जाएगा 8 7, एंड सो ऑन जब तक 1 आ जाए, और नीचे नीचे भी क्या आ जाएगा यहां पे 12 माइनस 4 हो गया ना 8 8 7, तो 8 ये वाला इसे कट जाएगा, हमारे पास दिस r की वैल्यू आ जाएगी 4। नेक्स्ट है NPR इज इक्वल टू 0 होगा यदि R की वैल्यू क्या है? इज ग्रेटर देन N है। यदि कोई एक वस्तु कभी ना ली जाए, दी गई वस्तुओं में से कोई एक वस्तु कभी नहीं ली जाए, तो यहां पे NPR की जगह हम लिख देंगे N-1PR, फॉर्मूला वही रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट है, यदि कोई एक वस्तु प्रत्येक बार ली जाए, तो जो एक वस्तु जो प्रत्येक बार ली जा रही है, तो हम लिखेंगे R गुणा, फॉर्मूला होगा हमारे पास R इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन, और इसकी वैल्यू क्या होगी? सेम, फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन माइनस आर माइनस वन। नेक्स्ट है, यदि n में से R वस्तुओं को एक साथ लिया जाए, तो हमारे पास फॉर्मूला होगा NPR इज इक्वल टू एन माइनस वन पी आर प्लस आर इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन। एन पी जीरो
जीरो की वैल्यू, इसका वैल्यू होगा मेरे पास हमेशा एक। यदि n वस्तुओं में से k वस्तुएं समान हो तथा शेष n माइनस k वस्तुएं असमान हो, तो सब वस्तुएं एक साथ लेने पर क्रमचय नंबर ऑफ परमुटेशन होंगे n फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल। k फैक्टोरियल यहां पे ऐसी वस्तुएं जो समान है। नेक्स्ट है, यदि n वस्तुओं को एक साथ लेने पर, जबकि उनमें से r एक प्रकार की तथा n माइनस r दूसरे प्रकार की, तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। यदि सभी n वस्तुओं को एक साथ लेने पर, जबकि उनमें से एक प्रकार की n1 वस्तुएं एक समान है, दूसरे प्रकार की n2 वस्तुएं एक समान है तथा शेष n माइनस n प्लस 1 वस्तुएं असमान है, तब हमारे पास आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट है आपके पास, सॉरी, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n2। नेक्स्ट है, यदि n वस्तुओं में को एक साथ लेने पर, जबकि एक प्रकार की n1 वस्तुएं समान है, दूसरे प्रकार की n2 वस्तुएं समान है, इसी प्रकार k प्रकार की nk वस्तुएं समान है, तो हमारे पास परमुटेशन हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल और सो ऑन nk फैक्टोरियल। नेक्स्ट है, n असमान वस्तुओं के वृत्तीय क्रमचयों की संख्या, वृत्तीय क्रमचय होगा सर्कुलर परमुटेशन, मीन्स एक वृत्त में, सर्कुलर में अगर वस्तुएं अरेंज की जाए, तो हमारे पास होगा n माइनस वन फैक्टोरियल। इनमें से एक वस्तु को वृत्त के एक स्थान पर रख दिया जाता है। यदि वृत्त में दक्षिणावृत्त व वामावृत्त क्रमचयों की संख्या एक ही समझी जाए, तो वृत्तीय क्रमचयों की संख्या होगी, मीन्स सर्कुलर परमुटेशन। कब? जबकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का हम डिफरेंस नहीं ले, तो क्या होगा, वन अपॉन टू एन माइनस वन फैक्टोरियल। नेक्स्ट है, यदि कोई घटना एन वन प्रकार से, दूसरी घटना एन टू प्रकार से, इसी प्रकार आरवी घटना एन आर प्रकार से हो, तो उनमें से किसी एक घटना के एन वन प्लस एन टू प्लस एन आर प्रकार होंगे, जबकि कोई भी दो घटनाएं एक साथ न होती हो। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। विभिन्न रंगों की पांच झंडियां हैं, पांच फ्लैग्स हैं हमारे पास, से कितने विभिन्न संकेत दिए जा सकते हैं। सॉल्यूशन है, अगर हम पांच अलग अलग कलर की फ्लैग्स हैं, एक एक फ्लैग लें, तो क्या होगा, पांच फ्लैग होगी, एक फ्लैग कितने कलर देगी, एक ही कलर की है, तो हमारे पास 5P1, तो क्या जाएगा आंसर हमारे पास 5। फॉर्मूले में रखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5। दो दो झंडी से दिए गए संकेतों की संख्या क्या होगी, 5P2। आंसर फॉर्मूले से आंसर आएगा हमारे पास 20। तीन तीन झंडी से, झंडियों से दिए गए संकेतों की संख्या होगी 5P3 इज इक्वल टू 60। फोर फोर फ्लैग से दिए गए संकेतों की संख्या होगी 5P4 इज इक्वल टू 120। और 5-5 से दिए गए, ये हो जाएगा 5P5 120। अब कुल टोटल संकेत कितने हैं, सबको ऐड कर दिया हमने और हमारे पास आ गया दिस। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास शब्द है बीकानेर से कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं। यदि सभी जो अक्षर हैं वो लिए जाए इसमें, तो इसमें कितने अक्षर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7P7 का मतलब हुआ 7 फैक्टोरियल। इतने अक्षर, इतने हमारे पास कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं, इतने क्रमचय। नेक्स्ट है, यदि चार अक्षर लिए जाए, इनमें से सात में से चार ही लें, तो क्या होगा, 7P4। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास ये, इसकी वैल्यू फॉर्मूले में पुट की और हमारे पास आ गया ये। नेक्स्ट है, मैथमेटिक्स शब्द के सभी अक्षरों को लेकर बनाए जाने वाले क्रमचयों की संख्या क्या होगी। हमारे पास कुल अक्षर कितने हैं, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसमें से देखिए MAT, दिस इज MAT, प्रत्येक अक्षर दो बार आ रहा है, MAT एंड MAT, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, टोटल अक्षर कितने हैं, फैक्टोरियल 11 अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2
फैक्टोरियल, प्रत्येक अक्षर दो बार आता है इसलिए। नेक्स्ट है, उदयपुर शब्द के अक्षरों से कितने क्रमचय बनेंगे? यदि क्रमचय का आरंभ पी अक्षर से हो, क्रमचय मतलब परमुटेशन का आरंभ जो स्टार्टिंग है वो पी अक्षर से हो, तो इसमें प्रथम अक्षर पी है, अतः टोटल कितने हैं? सेवन है ना, सेवन, तो सात में से छह अक्षर व्यवस्थित करने होंगे, क्योंकि पहला अक्षर तो लेना ही हमें पी, तो क्या होगा, सिक्स पी सिक्स मीन सिक्स फैक्टोरियल हमारे पास आई ये। यदि क्रमचय में पी यू आर एक साथ इसी क्रम में रखें, ये वाला पी यू आर एक साथ इसी क्रम में रखें, तो पी यू आर को क्या मान लिया हमने, एक अक्षर, तो क्या हुआ, वन टू थ्री फोर, संकेतों की संख्या कितनी होगी, वन टू थ्री फोर और ये फाइव, फाइव हो गए। तो यहाँ पे पी आर एक अक्षर है, अतः अक्षरों की संख्या कितनी होगी, पांच, तो यहाँ पे हो जाएगा फाइव पी फाइव, फाइव फैक्टोरियल, दिस इज वन टू जीरो।